दो अलग अलग फिल्मों की एक ही दिन पर टकराने की खबर तो आपने सुनी होगी, मगर ऐसा कम ही होता है जब एक ही एक्टर की दो दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हों। और इस मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार। अगले साल अक्षय की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, बेबी और गब्बर। और टेंशन वाली बात यह है कि इन दोनों फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स इन्हें 23 जनवरी पर रिलीज करना चाहते हैं। गब्बर और बेबी दोनों ही एक्शन बेस्ड फिल्म हैं, लिहाजा अक्षय के एक्शन को पसंद करने वालों के लिए ये चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि किस फिल्म को देखा जाए और किसे नहीं। वहीं इन्हें प्रमोट करने के लिए भी अक्षय को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एडेड टू दिस प्रॉब्लम, इसी दिन फिल्म वेलकम बैक भी रिलीज के लिए स्केड्यूल की जा रही है। वही फिल्म जिसके फर्स्ट पार्ट वेलकम में अक्षय कुमार लीड रोल में थे और इस सीक्वल फिल्म के हीरो जॉन अब्राहम है। क्लैश तो काफी इंटरेस्टिंग है। यूं कहे कि अगर हालात ना बदले तो 23 जनवरी को अक्षय खुद से ही जंग लड़ते दिखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर हो अक्षय की फिल्मों का ये अनोखा क्लैश? अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाएं। हाय, दिस इज नरगिस फैक्ट्री। सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ।